सर ऊपर नोट नहीं लिखना होता है, डायरेक्टली भी आपको इधर नेट टोटल लिख सकते हो, नोट नहीं लिखना रहता नोट ऊपर है तीन नोट्स मेंशन करो या फिर डायरेक्टली करो पे थ्रू पेटीएम डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन कर रहे हैं See, this is nothing but a bill. तुमने देखा है every shop has a different bill. Every shop can make it in a different format. ये तुम वो Reliance Trades वगैरह में जाएगा, वो Reliance Fresh and all, या फिर D-Mart and all, you get a printed invoice. बड़ा आसान निकलता है मालूम है? That is also this invoice only. अच्छा. That is also this invoice only. Every business has a different format. These are the main things which you need to cover. Now, third one you see, debit note. Okay. Pay attention. Third one. Look at the problem now. Either इसमें जाओ. Format में जाओ. थर्ड वन थर्ड फॉर्मेट डेबिट नोट और नीचे क्रेडिट नोट दिया हुआ है, कैन यू सी दैट? थर्ड एंड फोर्थ, टर्न द पेज. थर्ड एंड फोर्थ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट साइनिंग है सर, साइन करना है. साइन मतलब एस डी डैश लिखो, सेल्स मैनेजर फॉर नेम ऑफ द सेलर, खाली नेम ऑफ द सेलर लिखना जरूरी है लास्ट में. नाउ कम टू थर्ड एंड फोर्थ, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट दोनों साथ में करना तो इजी पड़ेगा. यू रिमेम्बर व्हाट वाज डेबिट नोट? अभी हम लोग कहाँ थे? बायर ने ऑर्डर प्लेस किया, सेलर ने गुड्स भेजा, तो बेचा तो क्रेडिट सेल हुआ, उसका प्रूफ हुआ इनवॉइस. फिर शायद कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले तो बायर विल सेंड दोज गुड्स बैक, ओके, रिटर्न कर देगा. तो बायर के लिए वो परचेज रिटर्न है, सेलर के लिए वो सेल्स रिटर्न. और बायर क्या भेजेगा सेलर को? तो डेबिट नोट. और सेलर रिटर्न में क्या भेजेगा? तो क्रेडिट नोट. यू नो दैट राइट? तो वही उसका फॉर्मेट देख लो, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट साथ में देखते जाना. ओके, हु विल सेंड द डेबिट नोट? बायर. सो बायर मेक्स इट. तो हियर ऑन टॉप यू विल हैव नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर. डेबिट नोट विल बी प्रिपेयर्ड एंड सेंट बाय बायर. तो इधर पेंसिल से लिख लो एरो करके, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर. डेबिट नोट का टॉप पे इट विल बी नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर. वैसे ही क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? सेलर. तो उधर लिख दो नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर. नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर. दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम ओनली. यू रिमेम्बर अजय एंड विजय? विजय वॉज द सेलर अपने एग्जाम्पल में, जो अभी देखा ना फर्स्ट. विजय बुक डेपो वॉज द सेलर, अजय बुक स्टॉल वॉज द बायर. गॉट इट? सो अजय इज मेकिंग, अजय इज द बायर. नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, इधर नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर. दिखा? देन सिमिलर टू इनवॉइस नंबर, यहाँ पे है डेबिट नोट नंबर एंड डेट, कैन यू सी दैट? उधर इनवॉइस नंबर था, इधर डेबिट नोट नंबर. अगेन क्वेश्चन में है तो ठीक है, नहीं तो एनी फोर डिजिट. तो नीचे क्रेडिट नोट नंबर और डेट, इधर डेबिट नोट नंबर डेट, उधर क्रेडिट नोट नंबर और डेट. डेट ऑफ रिटर्न, इनवॉइस में क्या होता था? डेट ऑफ परचेज. इधर आएगा डेट ऑफ रिटर्न. देखा? फिर एड्रेस किया हुआ है टू, किसको एड्रेस करोगे? डेबिट नोट कौन बेचता है? किसको बेचता है? सेलर. तो नीचे क्या रहेगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर. यहाँ पे डेबिट नोट में लाइव नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर, दिख रहा है? पेंसिल से लिख लो. डेबिट नोट विल हैव यहाँ पे टू में नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर. वैसे ही क्रेडिट नोट किसको भेजेगा? बायर को. तो इधर टू में नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, पेंसिल से लिख लो नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर. फोर आइटम्स आर क्लियर? दोनों का नाम और एड्रेस. ओके, डेबिट नोट बायर टू सेलर, क्रेडिट नोट सेलर टू बायर. कंफर्टेबल? देन
एक स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट भी सिमिलर है, देख लो पहले डेबिट नोट का पढ़ो क्या दे रहे हैं। वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट, यू रिमेम्बर द एंट्री फॉर परचेज रिटर्न, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, उसी का प्रूफ है कि हम तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट विथ रूपीज इन वर्ड्स, वो डैश दिख रहे हैं वहां पे, उधर लिख लो अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स, तो तुम्हें खाली इन वर्ड्स ही लिखना है उधर, अमाउंट इन वर्ड्स, ओके, ओनली फॉर द गुड्स रिटर्न बाय अस, क्योंकि हमने गुड्स रिटर्न किए डिटेल्ड बिलो। व्हाट इज द स्टेटमेंट, वी आर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट विथ रूपीज सो एंड सो इन वर्ड्स ओनली फॉर द गुड्स रिटर्न बाय अस डिटेल्ड बिलो। समझा यहां तक? अभी सेम स्टेटमेंट क्रेडिट नोट में क्या बनेगा, वी आर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट विथ रूपीज इन वर्ड्स ओनली ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय यू। समझा दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे अस उधर यू, दैट्स इट, इधर डेबिटेड उधर क्रेडिटेड। फिर अगेन द सेम बॉक्स, कैन यू सी दैट बॉक्स, वो बॉक्स में अभी एक चेंज हुआ है, नंबर के जगह हुआ है इनवॉइस नंबर, यहाँ पे दैट्स इट। इनवॉइस नंबर का मतलब क्या है, जिस इनवॉइस के लॉट का गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं ना उसका इनवॉइस नंबर आएगा। से फॉर एग्जाम्पल अजय ने विजय से तीन अलग अलग इनवॉइस के गुड्स खरीदे, तीन बार गुड्स खरीदे, इनवॉइस नंबर 111122 and 3333 सपोज, उसमें से इनवॉइस नंबर 2222 द सेकेंड इनवॉइस उसका गुड्स डिफेक्टिव निकला वो रिटर्न कर रहा है, तो नीचे बॉक्स में यहाँ पे इनवॉइस नंबर वुड बी 2222, इज दिस क्लियर। सपोज वो 3333 का रिटर्न कर रहा है तो इनवॉइस नंबर में आएगा 3333। इनवॉइस नंबर का सेंस मतलब समझ रहा है, जिस इनवॉइस के गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं ना, डिफेक्टिव गुड्स वी आर रिटर्निंग, तो जिस इनवॉइस के आए हुए गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिखेगा। ऑल ऑफ यू गॉट दिस, दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं दिया तो वापस एनी रैंडम फोर डिजिट का, मोस्टली नहीं देता है तुमको, इमेजिनरी डिटेल्स ही है, तो रैंडम फोर डिजिट नंबर, इज दिस क्लियर। डेबिट नोट नंबर अलग है और इनवॉइस नंबर अलग है, समझा ना, डेबिट नोट मतलब डेबिट नोट का सीरियल नंबर और इनवॉइस मतलब जिस इनवॉइस जिस बिल का गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं ना वो इनवॉइस नंबर रहेगा। ओके, सो इनवॉइस नंबर रहेगा वहां पे, उसकी डेट भी लिख सकते हो इनवॉइस के साथ में, सो इनवॉइस नंबर या फिर इनवॉइस नंबर एंड डेट बोथ आर फाइन, जिस डेट का इनवॉइस था और जिस नंबर का इनवॉइस था, समझा मतलब। से फर्स्ट जनवरी को इनवॉइस नंबर 3333 का गुड्स आया था और 15 जनवरी को रिटर्न हो रहा है, तो डेबिट नोट में 15 जनवरी का डेट होगा और इनवॉइस नंबर होएगा 3333 एंड डेट होएगा फर्स्ट जैन। इनवॉइस फर्स्ट जैन को आया था, मतलब गुड्स खरीदा था फर्स्ट जैन को, इनवॉइस नंबर 3333 का और 15 जनवरी को रिटर्न हो रहा है, दैट इज अ मीनिंग। ऑल ऑफ यू गॉट इट, सो हियर यू विल राइट इनवॉइस नंबर एंड डेट, डेट ऑफ इनवॉइस, ओके, नॉट इधर लिख दो इनवॉइस नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, जस्ट राइट दैट, नंबर दिया ना खाली उधर, इनवॉइस नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, देन पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट इज ऑल सेम। यहाँ पे जैसे किया था ना, इसमें से गोल्ड रिंग्स तुमने 5 खरीदे उसमें से समझो 2 रिटर्न किए, सो 2 इन क्वांटिटी 500 अमाउंट वुड बी 1000, सेम वे जो रिटर्न कर रहे हो, इज दिस क्लियर। वापस टीडी माइनस होता है कि टीडी सीडी दोनों होता है, टीडी सिर्फ टीडी, अगर टीडी है तो माइनस करो नेट में टोटल इन वर्ड्स एंड इन रूपीज, सेम थिंग। ओके, उसके नीचे ENOI, कैन यू सी दैट ENOI, अच्छा डेबिट नोट में ये कंडीशन और GSTIN लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इनवॉइस में दे दिया है, ENOI लिखना जरूरी है, हर एक डॉक्यूमेंट में ENOI तो लिखना ही है, ओके, एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्ट एंड सिग्नेचर लास्ट में, हु विल साइन इट, सेल्स मैनेजर, डेबिट नोट परचेज, ओके, क्योंकि बायर सेल कर रहा है, बायर इज सेंडिंग, सो SD डैश परचेज मैनेजर नेम ऑफ द बायर, लास्ट लाइन विल बी नेम ऑफ द बायर, दिख रहा है यहाँ पे साइन के नीचे, नेम ऑफ द बायर फॉर अजय बुक डेपो, दैट इज फॉर नेम ऑफ द बायर, मिला क्लियर टिल दिस पार्ट। वैसे ही क्रेडिट नोट में क्या रहेगा, बॉक्स तो वैसे ही रहेगा, ENOI वैसे ही रहेगा, साइन कौन करेगा, हु मेक्स द क्रेडिट नोट, सेलर, द सेल्स मैनेजर, ओके, सेल्स मैनेजर फॉर हु, सेलर, सो नेम ऑफ द सेलर, लास्ट लाइन विल राइट नेम ऑफ द सेलर। अभी
बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना यहाँ पे, वहां पे एक फ्रेज मेंशन करना खाली, ये जो खाली स्पेस है ना यहाँ पे, इधर आ जाएगा प्लीज एक्नॉलेज, ओके चेक्ड बाय, ओके सॉरी प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, प्लीज एक्नॉलेज प्रिपेयर्ड बाय, ओके व्हाट इज दिस नाउ, प्लीज एक्नॉलेज लिखने का मतलब इसका मेरे को रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट भेजो, मतलब डेबिट नोट भेज रहा हूं तो मेरे को रिटर्न में क्रेडिट नोट भेज, क्रेडिट नोट भेज रहा हूं तो मेरे को रिटर्न में डेबिट नोट भेज, प्लीज एक्नॉलेज प्रिपेयर्ड बाय, ये ऑप्शनल है, लिखोगे तो भी चलेगा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्रिपेयर्ड बाय मतलब कोई क्लर्क बनाता है और फिर उसका हेड होता है परचेज मैनेजर, या फिर कोई क्लर्क बनाता है जिसका हेड होता है सेल्स मैनेजर, ओके लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो डायरेक्टली परचेज मैनेजर की साइन डाल दोगे तो भी चलेगा, साइन ही है ये जो क्लर्क बनाया है उसकी साइन है, ओके साइन में तो कुछ नहीं, कुछ नहीं लाइन छोड़ देने का, साइन वाइन करने का नहीं, ऐसे प्रिपेयर्ड बाय डैश, कीप इट ब्लैंक, एस डी डैश चाहिए तो लिख सकते हैं, डोंट राइट एनीथिंग एल्स, एस डी डैश दैट्स इट इज फाइन, ओके या स्किप किया तो भी चलेगा, खाली बायर्स परचेज मैनेजर लिखा और सेलर का सेल्स मैनेजर लिखा, फाइन, क्लियर विद द फॉर्मेट, इट एग्जैक्टली इट इज ऑपोजिट, हाउ डू यू स्टार्ट अ डेबिट नोट, यू स्टार्ट विद नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, क्रेडिट नोट में क्या होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर, इधर डेबिट नोट नंबर, उधर क्रेडिट नोट नंबर, डेट डेट, इज दिस क्लियर, अच्छा डेबिट नोट किसको एड्रेस करेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर, क्रेडिट नोट किसको एड्रेस करेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, बॉक्स, अच्छा उसके बाद स्टेटमेंट है यहाँ पे, व्हाट इज द स्टेटमेंट, डेबिट नोट का पहले बोल लो, वी आर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डेबिट इन योर अकाउंट विद रुपीज इन वर्ड्स, ओके इन वर्ड्स ओनली फॉर द वैल्यू, सॉरी फॉर द गुड्स रिटर्न बाय अस, फॉर द गुड्स रिटर्न बाय अस डिटेल बिलो, बॉक्स में गुड्स, बॉक्स सेम है पूरा, क्लियर, कुछ नहीं दिया है तुम्हारे हिसाब से, एक दो डिटेल भर सकते हो बॉक्स, ओके देन ई एन ओ दैट रिमेन सेम, ये इधर एड कर देना, प्लीज एक्नॉलेज, इज इट क्लियर, प्लीज एक्नॉलेज, प्रिपेयर्ड बाय करोगे तो भी चलेगा नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके जस्ट राइट प्लीज एक्नॉलेज ई एन ओ एंड साइन, हु विल साइन अ डेबिट नोट, परचेज मैनेजर फॉर बायर, हु विल साइन अ क्रेडिट नोट, सेल्स मैनेजर फॉर, अच्छा क्रेडिट, क्रेडिट नोट में स्टेटमेंट क्या होगा, क्रेडिट नोट का स्टेटमेंट, वी आर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट दीस रुपीज इन बॉयज ओनली फॉर द गुड्स रिटर्न्ड बाय यू एज डिटेल्ड बिलो, कम बैक टू द प्रॉब्लम, इसमें कोई जीएसटी आई एन नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, खाली प्लीज एक्नॉलेज, एक छोटा सा फ्रेज दैट्स इट, ओके कम बैक टू द प्रॉब्लम, उसमें फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है, प्रिपेयर अ क्रेडिट नोट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डिड यू गेट दैट, मेक इट, प्रिपेयर अ क्रेडिट नोट इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक काम करो पहले थर्ड करो, थर्ड थर्ड फिर फोर्थ, मेक थर्ड वन फर्स्ट, थर्ड वन में ऑल द डिटेल्स आर गिवन, ध्यान से पढ़ो, मेक इट फर्स्ट, तुम्हारे हिसाब से रीड क्या होना चाहिए, किधर क्या चीज आना चाहिए, एवरीथिंग इज गिवन, रीड प्रॉपरली, थर्ड वन सॉल्व फर्स्ट, 5 मिनट्स देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन, कम ऑन, थ्री से ध्यान से पढ़ना, हु इज रिटर्निंग टू हूम, हु इज द बायर, हु इज द सेलर, कौन सा नोट बनाना है, सो हु विल मेक
बाय डेबिट नोट बनाना थर्ड 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 वाला थर्ड वन हैव रिटर्न्ड तो जिसने रिटर्न किया वो इसने रिटर्न किया वो बायर इसको रिटर्न किया वो सेलर रमन प्रकाश फास्ट मेक इट फास्ट लास्ट सेंटेंस रोहित बुक सेलर इज द बायर रमन प्रकाश इज द सेलर Come on, make it fast. Don't talk. Read who is returning to homes of DR. Rohit book sellers have returned. So Rohit book sellers are the buyer. Raman Prakashan is the seller. So Rohit book sellers. On top you have Rohit book sellers. Received from Raman Prakashan. Pehle have returned diya na. सर ऊपर स्टेशन पहले रिसीव्ड आया था ना पहले आया था वो रिटर्न कर समझा Make fast, come on. Raman Prakashan. डेबिट नोट नंबर नहीं दिया ना नहीं तो एनी फोर डेबिट एनी फोर डेबिट God bless you, my child. તારું પ્લાન બનાવો તારું અને આનું દિયા જાને એક વાર પહેલે મેલે ના યહાં પે ના
सर इसमें तो पहले वेज रुपीज का पूरा जगह छोड़ना पड़ेगा छोड़ना उधर में बोर्ड ही बोर्ड है जो चाहिए ले ले अरे बाप रे अब जनरली फोर पे रहता है जो प्रिंटेड रहता है ना 0014 0032 तो 00 चार 32 लिख रहा है तो 0032 या 0010 ऐसा बट सर बोलो इधर क्वेश्चन में दिया है 10 तो यू कैन राइट सेम अपना इमेजिनरी बोल रहे हो ना तो फोर डिजिट 4000 रुपीज ओनली घरे जा तो फ्रूट फास्ट कम ऑन यस सर तो इसमें तो दो में कंटाल गए बस और दो ही है वो दो और मैं यही है एक दो तीन इनवॉइस डेबिट नोट एंड क्रेडिट अभी चेक है ना सर अभी नहीं तो सर ट्रैकिंग की बात करनी है सर 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 जनरल सब्जी लेजर नहीं कहा जिसमें साइन
अरे तेरा विषय भी तो जल मत के सुमैया में नहीं है सुमैया का आया नहीं है ना हम लोग का डिफॉल्टर लिस्ट निकलता है निकल निकलता है तो उसके पहले हम लोग सबका हम लोग मैच में खाली एक मजा आता है मेन डॉक्यूमेंट्स आर दीज ओनली सिक्स डॉक्यूमेंट्स तीन ये किया तुमने इनवॉइस डेबिट टू क्रेडिट स्कोर एंड थ्री चेक्स चेक्स एक आ गया तो सब आ जाएगा इट इज वेरी तीनों सेम सेम ही है लेकिन चीज का फर्क है सर सर दो लेक्चर लेते हैं अच्छा थोड़ा फोकस कर अच्छा नेक्स्ट लेक्चर आई एम स्टार्टिंग विद पेटी कैश बुक ओके इट्स अ न्यू चैप्टर Another subsidiary book is your last chapter, okay? Then you'll have Diwali holidays. Then we meet after I'll be calling as well. NMBTY will have to come extra this week and next week. Okay, I'll give you time. Private कर रहा हूँ. सर फोर्थ क्वेश्चन डन विद दिस चलो नेक्स्ट अपन भी दे रहे थे प्राइवेट या सर नेक्स्ट हम लोग एक्सक्यूज मी सर कम टू बैरर चेक पीछे ऑन द बेंच कही जाए ऑफिसर साइड ऊपर से फोर अभी नहीं बात तो मैंने साइकिल चलाई है इसी प्रोसीजर से लगवाई है जाना पे परसेंटेज आ गया नीचे देखो 75 में बैरर चेक नाउ लिसन डोंट टॉक मिला बैरर चेक क्या मिला अंदर सी चेक का फॉरवर्ड यू ऑल नो यू हैव सीन अ चेक व्हाट इज अ बैरर चेक यू डोंट कैंसिल द टर्म बैरर यू डोंट कैंसिल द टर्म बैरर सो उसका फॉर्मेट दिया हुआ है ध्यान से पढ़ना सबसे पहला डेट राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर यू हैव डेट ऑफ द चेक ओके दैट इज जिस डेट का चेक ड्रॉ किया है तुमने जरूरी नहीं है आज का डेट है तो मैं चेक पे आज का ही डेट लिखू ओके चेक हैज अ वैलिडिटी ऑफ 3 months इज दिस क्लियर तो 3 महीने आगे तक का आई कैन गिव द चेक दैट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ओके तो 3rd June है उसके जगह आई कैन राइट 4th June 5th June 6th June जनरली 3-4-8 दिन का आगे का चेक रहता है ओके तो चेक का डेट पे में नेम ऑफ द पार्टी जिसको पे करना है जनरली बायर मेक्स अ पेमेंट टू सेलर जनरली बायर मेक्स अ पेमेंट टू सेलर तो इधर नेम ऑफ द सेलर आता है यूजुअली ओके या फिर चेक कैन बी ड्रॉन किसी भी पार्टी को पैसा देने के लिए तो सामने वाले पार्टी का नाम द नेम ऑफ द पेई रिमेंबर पेई पे इज द वन हू रिसीव्स द मनी सो ओनली नेम नो एड्रेस पे जो भी पेई का नाम है और बेरर कैन यू सी दैट और बेरर मतलब जिसके हाथ में चेक है उसको भी पैसा मिल सकता है ओके दैट इज बेरर चेक वो कैंसिल नहीं करना रुपीज इन वर्ड्स 500 ओनली दिख रहे हैं वहां पे छोटा बॉक्स में 500 इन फिगर्स सिंपल देन 3 numbers यू आर हैविंग अकाउंट नंबर LF एंड इनिशियल्स दिख रहा है वहां पे अकाउंट नंबर कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 4 to 14 digits इनफैक्ट ओके हाँ तो कुछ नहीं दिया अकाउंट नंबर तो कोई भी 6 digit का अकाउंट नंबर लिख दे रैंडम 6 digit अकाउंट नंबर ओके उधर दिया ना 1 2 3 4 कुछ नहीं दिया है तो 6 digits राइट देयर अकाउंट नंबर एनी 6 digits रैंडम
11 initials नहीं देगा सम में राइट एनी 3-3 डिजिट्स ओके क्वाइट 11 इनिशियल्स में 3-3 डिजिट्स दैट इज फॉर इंटरनल यूज ऑफ बैंक ओके LF नंबर तुम्हारा लेजर फोलियो नंबर मानो 11 इनिशियल्स एनी 3-3 डिजिट्स देन नीचे दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया मसगांव ब्रांच MZN इज अ कोड ऑफ मसगांव ओके MZN वगैरह छोड़ दो खाली नेम एंड बैंक की ब्रांच ब्रांच एड्रेस ICICI बैंक BKC ब्रांच और एक्सिस बैंक ऑक्टोबर ईस्ट ब्रांच इज दिस क्लियर सो नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच एड्रेस इज दिस पार्ट क्लियर सिग्नेचर के लिए SD- ही लिखना कुछ साइन वाइन मत करना नीचे दिख रहा है 0111 93 नंबर दिया है दैट इज चेक नंबर दैट इज चेक नंबर उधर लिख दो दैट इज चेक नंबर पहला 6 डिजिट का नंबर इज अ चेक नंबर दैट चेक नंबर विल बी ऑलवेज 6 डिजिट चेक नंबर विल बी ऑलवेज दिया है तो लिखना नहीं है तो अपना 6 डिजिट का फिर आगे दिख रहा है 4000130 एंड 365451 दैट इज द एरिया कोड ओके एरिया कोड सो बैंक का यूज के लिए रहता है कोई भी रैंडम 9 डिजिट्स कोई भी रैंडम 6 डिजिट्स 4000 इज द स्टार्टिंग कोड ऑफ मुंबई अगर मुंबई का कर रहे हो तो 4000 अदरवाइज कोई भी 9 और कोई भी 6 डिजिट्स ओके सो एनी 9 और 6 डिजिट का एरिया कोड इन इन्वर्टेड कॉलम्स इज दिस पार्ट क्लियर दीज आर कॉल्ड एज MICR चेक्स ओके ये सब आज के डेट के जो भी चेक्स होते हैं ना वो MICR मतलब कंप्यूटर रीड कर सकता है उनको तो इसके लिए कोड्स होता है कंप्यूटर फटक से रीड करके उनको बता देगा कहाँ का है क्या है कौन सा चेक है नाउ लास्ट सेम एरिया कोड ही है खाली 9 लिखा तो भी चलेगा 9 और 6 लिखा तो भी चलेगा लास्ट में 9 और 6 का दो दिया है ना खाली 9 डिजिट इज ऑल्सो फाइन ओके दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर एरिया किसी में 9 होता है 6 होता है किसी में 10 डिजिट 12 डिजिट ऑल चेक्स आर डिफरेंट एरिया ओके चेक का फॉर्मेट क्लियर है वेरी वेरी इजी स्टार्टिंग विद डेट राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर यू हैव डेट पे में क्या लिखना नेम ऑफ द पे इसको पे करना है ओके और बेरर विल यू कट बेरर नो चेक में नहीं सम ऑफ रुपीज इन वर्ड्स देन बॉक्स में इन फिगर्स देन 3 नंबर्स अकाउंट नंबर LF एंड इनिशियल अकाउंट नंबर कितना डिजिट तो 6 डिजिट LF इनिशियल 3-3 डिजिट नीचे नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच एड्रेस इज दिस क्लियर नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच एड्रेस 6 डिजिट का चेक नंबर 9 और 6 का एरिया कोड इज दिस क्लियर एन SD- फॉर सिग्नेचर कंफर्टेबल इसमें ENOI नहीं रहेगा इसमें ENOI नहीं रहेगा नो एक्सेप्शन सीधा बाउंस कट हो जाता है डिसऑनर कोई भी चेंज रहेगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो खत्म ओके चेक कैंसल सीधा नया चेक बनाना पड़ता है नाउ कम टू द नेक्स्ट चेक दैट इज ऑर्डर चेक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेरर एंड एन ऑर्डर चेक लिसन ऑर्डर और बेरर में क्या फर्क है पूरा चेक का फॉर्मेट सेम है पूरा चेक का फॉर्मेट खाली एक चेंज है जो बेरर होता है ना उसको कैंसिल करके वी राइट ऑर्डर